हेलो एवरीवन, इट्स मी सलमान एंड यू आर वाचिंग सलमान में यूट्यूब चैनल। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और इस तरह की अपडेट चाहते हैं सबसे पहले तो यू नो गाइस, आप लोग जानते ही हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें अगर इस तरह की अपडेट सबसे पहले चाहते हैं। तो बेसिकली आज मैं बात करूँगा आप लोग से LRC के टॉपिक्स के ऊपर, और आज मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूँ और कुछ यहाँ पे आप लोग की क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला हूँ, खासकर जो SSA वाले हैं उनके लिए, राइट। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, वीडियो में ज़्यादा लंबा ना टाइम लेते हुए, राइट। तो अभी मैं थोड़ा आप लोग को यहाँ पे सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट में कुछ यहाँ पे नॉइज़ है, तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा मैनेज कर लें, ओके। तो अभी मैं आप लोग से, चलिए नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे, वो सारी बातें मैं करता हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूँ और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ कि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए बाय मेरे थ्रू। तो आप लोग मेरे चैनल पे आके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन, और देख सकते हैं कि क्या आपकी क्या स्किल है, कितना आप लोगों ने स्टडी किया है। सिंपली क्या करना है, जैसे मेरा ये Lecture 3, Lecture 2 और यहाँ से मेरा वीडियो है, इस पर क्लिक कर देना है, राइट। अब वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करें, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। उसके बाद इसमें आने के बाद आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर शो मोड पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एक लिंक होगा, इस पर आप लोग जब क्लिक कर देंगे तो आप लोग डायरेक्ट जाके उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, ओके, ऑलराइट। तो आज के लिए इतना ही, मतलब इस टॉपिक पे बात करता हूँ। और आगे मैं ये बात करने वाला हूँ कि आप लोग के लिए जो मैं बोला था कि जो बेसिक चीज़ आप लोग डिप्लोमा में पढ़े हैं उसको आप लोग को स्टडी करना चाहिए, और क्योंकि बेसिकली आप लोग को इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू नो आपका सिलेक्शन जो हुआ वो डिप्लोमा बेस पे हुआ है। तो डिप्लोमा में खास कर जो सर्वेइंग में जो टॉपिक्स हैं उनको आप लोग ज़रूर एक बार रिकॉल कर ले, पढ़ ले, स्टडी कर ले, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बेसिक है और अमीन से रिलेटेड है, अमीन में क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्ज़ाम में, और इस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस भी है और पूछा भी जाता है, इस तरह क्वेश्चन बेसिक है। तो हम लोग सर्वेइंग में गाइस पढ़े हुए हैं कि सर्वेइंग कितने टाइप्स के होते हैं, सर्वेइंग क्या है और ये सारा चीज़, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पढ़ना है कि डिपेंड इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग की सर्वेइंग, जो प्लेन सर्वे होती है, चैन सर्वे होती है, थ्रोलाइट सर्वेइंग होती है, ये सब होती है, और पर्पस के हिसाब से भी बहुत तरह की सर्वेइंग होती है, लैंड सर्वे होती है, जीरो उसके बाद ऑटोग्राफिकल सर्वे होती है, फोटोग्राफिकल सर्वे होती है, बहुत तरह की सर्वे होती है जो पर्पस के हिसाब से होती है, आप लोग को मालूम है। तो यहाँ पे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग को पूछा जाएगा, इसका कुछ मायने नहीं रखता वो सारा चीज़, लेकिन यहाँ पर 4 सर्वेइंग है जो अमीन से रिलेटेड है, जिसको आप लोग जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा जैसे आप लोग के सामने है, ओके। चलिए वीडियो में बिना टाइम लिए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी तक मेरे चैनल पे आप लोग बने हुए हैं तो इस समय लाइक ज़रूर कर दें, तभी वीडियो को आप लोग देखें, यू नो लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, राइट। जैसे यहाँ आप लिखा हुआ है कि सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, राइट। तो सिंपल बेसिकली यहाँ पर जो है बेस्ड ऑन अमीन के हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो सर्वे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला थकवस सर्वे होता है, दूसरा रेवेन्यू सर्वे, राइट, और तीसरा कैडेस्ट्रल सर्वे, और चौथा आपका जो है रीजनल सर्वे, राइट। अब ये तो हम लोग देख लिए हैं कि सर्वे 4 टाइप के होते हैं, और हम लोग यही अच्छे से पढ़ना है, यूनो इसी से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है और पूछा भी जा सकता है, क्योंकि अमीन से रिलेटेड ये सारा टॉपिक्स है, ओके। तो अब यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि थकवा सर्वे एक्चुअल में होता क्या है, ओके। तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ। थकवा सर्वे क्या होता है, इसमें यह लिखा हुआ कि यह सर्वे सर्वप्रथम जमीन के रूपरेखा के अनुसार किया गया था, इनमें किसी प्रकार के जमीन का, यहाँ पे माप लिखा हुआ थोड़ा दिख नहीं रहा है, माप जोक नहीं किया गया था, जमीन के रूपरेखा के अनुसार नक्शा तैयार किया गया था, इस सर्वे में किसी भी पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये सर्वे जो है सबसे पहले जमीन रूपरेखा के, सबसे पहले ये सर्वप्रथम सर्वे है, सबसे पहले इसी सर्वे को किया गया था, और ये ज़मीन के रूपरेखा को देखकर इसके अनुसार सर्वे किया जाता था। उस समय जो है ऐसा नहीं है ज़मीन को मेजरमेंट करके, इस सर्वेइंग में ज़मीन को मेजरमेंट करके नहीं सर्वे किया जाता था, बस ज़मीन देख ली, यहाँ ज़मीन है, उसका लंबाई चौड़ाई देख के उस हिसाब से सर्वेइंग करते थे, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। थकवा सर्वे का बस बेसिकली यही डिफिनेशन, और इसमें ज़्यादा नहीं है, बाकी आप लोग और भी जानना चाहते हैं तो खुद से भी गूगल कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का अब है रेवेन्यू सर्वे किया, ओके। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं क्या है रेवेन्यू सर्वे है, कि यह सर्वे ही सही सर्वे का बुनियाद माना जाता है, इस सर्वे
में सही रूप से ज़मीन की मापी करके 4 इंच = 1 मील पर नक्शा तैयार किया जाता है। 4 इंच = 1 मील मतलब ये स्केल है, इस पर ही नक्शा तैयार किया जाता था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे विभाग डिपार्टमेंट की रिवेन्यू सर्वे में किस स्केल पे ज़मीन की मापी करते थे नक्शा में बनाने के लिए। तो 4 इंच = 1 मील पे यहाँ पे काम होता था इस सर्वे में। इसके बाद मालिक तथा रैयतों का कागजात तैयार किया जाता था, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत आई थी नहीं आप लोग को हुई होगी समझ में, आप लोग को आसान से समझ गए होंगे, राइट। और कुछ बोलने में अगर कुछ मुझसे समझ नहीं पा रहे कोई वर्ड तो थोड़ा मैनेज कर ले, बिकॉज आप लोग जान रहे अभी फास्टिंग चल रहा है तो थोड़ा मैनेज कर ले प्लीज़। चलिए नीचे चलते हैं। और लास्ट हमारा जो है वो है कैडेस्ट्रियल सर्वे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्वे है और इसका काफ़ी चर्चा है अमीन में। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। इस सर्वे में अमीन ज़मीन की सही पैमाइश 16 इंच = 1 मील के पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया था। इस सर्वे में जो अमीन जो है ज़मीन की सही पैमाइश जो मेजरमेंट करता था वो 16 इंच = 1 मील के पैमाने पर बोले तो स्केल पर नक्शा तैयार करता था उस समय कैडेस्ट्रियल सर्वे में। जहाँ घनी आबादी थी वहाँ 32 इंच = 1 मील के पैमाने पर पैमाने में बोले तो स्केल पर नक्शा तैयार किया जाता था गया था। मतलब सिंपल ही बात, जहाँ आबादी कम होती थी तो वहाँ पे 16 इंच = 1 मील पे नक्शा तैयार किया जाता था स्केल लेकर। जहाँ ज़्यादा थोड़ा घनी आबादी होती थी तो 32 इंच = 1 स्केल पे नक्शा तैयार किया जाता था। उससे भी ज़्यादा घनी आबादी रहती थी तो 64 इंच = 1 मील पे नक्शा तैयार किया जाता था कैडेस्ट्रियल सर्वे में, राइट। जो कि मैं वो लिखना भूल गया हूँ, 64 इंच = 1 मील, तो आप लोग उसको ध्यान कर लेंगे, ओके माइंड कर लेंगे। इस सर्वे में मालिक या रैयतों के लिए खिसरा एवं खतियान तैयार किया गया था। चलिए थोड़ा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा मैं इरेज भी कर लेता हूँ, राइट। हाँ, तो तैयार किया गया जिस अधिकार अभिलेख कहते हैं, प्रत्येक रैयतों को खतियान शिविर के अधिकारी के द्वारा एवं अमीन द्वारा अधिकार वितरण किया गया। तो काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट सर्वे आप लोग को जो रखती है वो कैडेस्ट्रियल सर्वे, और इसी पे काम बहुत सारा अमीन का हुआ है। तो इससे क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है जो कि स्केल से रिलेटेड हो सकता है। तो ये 4 सर्वे था जो मुझे लगा आप लोग को बता देना चाहिए, मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं गाइस की आखिर आप लोग की क्या अपडेट है। तो स्पेशल सर्वे अमीन के मैं अपडेट ये बताने वाला था कि आप लोग के ट्रेनिंग के जो बात हो रही है, तभी लॉकडाउन को जैसा देख रहे हैं आप लोग लेकर कि डेट बढ़ने ही वाला, कम नहीं हो सकता है, 3 से एक्सटेंड होकर मिनिमम तो 20 मई जाएगा ही जाएगा गाइस। तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट आप लोग की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाए, तो आप लोग बेसिकली ये सब सारा चीज़ पढ़ के रहें, और PDF में कैसे क्या पढ़ना है वो भी मैं बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, स्टडी आप लोग इसको करें, और कल मैं टेस्ट लूँगा इस सारा टॉपिक्स का। और कल मैं टेस्ट का क्वेश्चन दूंगा, उसके अलावा मैं आप लोग को कन्वर्जन कर लेकर आऊँगा, कन्वर्जन किस तरह आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, कन्वर्जन और फिर चैन सर्वे क्या होता है, चैन कितने टाइप के चैन्स होते हैं वो कल मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग उसको एक बार देख लेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अमीन का जहाँ तक चांसेस है तो वो ज़्यादा चांसेस है स्पेशल सर्वे अमीन का कि ऑनलाइन ट्रेनिंग 50-50 ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। अब बात कर लेते अमीन 550 की, तो अमीन 550 की जहाँ तक बात है तो उसका कुछ भी अपडेट नहीं है, बस उसमें ये है जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है तो ज़्यादा चांसेस है कि जिनका फर्जी वाला डिग्री मिल रहा है वहाँ पे अमानत की, तो फिर से वहाँ पे उनको वहाँ पे रिकाउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है, मे बी ऐसा चांसेस लग रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो अपने इस भाई का तो लाइक ज़रूर कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, और अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड